बदनाम हूँ नाकाम हूँ, क्या मुझ में रहा है ऐ दिल के सहारे। तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है, सीने में तेरी याद का तूफान उठा है ऐ दिल के सहारे। शिपाली जी, अलिफिया, आज आप लोगों को सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं भगवान से कहूं कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, लेकिन फिर तारिक भाई की आवाज़ कानों में गूंजती है, लगता है ठीक हूं। हाय हाय हाय। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि महबूब खान साहब यहीं आसपास के काशीपुरा सरार बिल्ली मोरा। यस, सतीश भाई पटेल कहाँ बैठे हैं? थैंक यू सो मच, ये बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपने दी। और वहीं मदर इंडिया की शूटिंग भी हुई थी, है ना, 150 बैलगाड़ी मंगवाए गए थे, उनमें से एक बैलगाड़ी पर सतीश भाई के वालिद साहब यानी इनके डैडी विराजमान थे, तो ये भी एक इतिहास के हिस्सेदार हैं, हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। और अब तो बैजू बावरा भी यहीं के थे आसपास के, है? अब अमिताभ बच्चन भी यहाँ के हो गए हैं, दम है बात में, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कहते रहते हैं। अमित जी की मेरी आदत एक बहुत सेम है, वो मेरे घर पर नहीं आते, मैं उनके घर पर नहीं जाता, ये बढ़िया बात है। इसके बाद उस ऐतिहासिक फिल्म का वो ऐतिहासिक गाना जिसे शीश महल पर फिल्माया गया, जिस सेट पर शाहपुरजी पालन जी एआर करदार साहब को, एआर करदार साहब को लेकर गए थे और आसिफ साहब से कहा था कि आसिफ अबे टारू बहु ठीक यू, इसके आगे जो डायरेक्शन है ना वो करदार देगा, तेरा मेरा संबंध खत्म। तब आसिफ साहब ने कहा था कि शाहपुरजी सेठ, ये शीश महल की शूटिंग मुझे करने दीजिए, क्योंकि ये शीश महल बनाने की वजह से हिंदी सिनेमा में मुझे लोग पागल बोलने लगे हैं, और मुझे पागल कहने वाले उन तमाम पागलों को इस सेट पर शूटिंग करके बताऊंगा कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया जाता है। और इस शीश महल की शूटिंग के पहले कोई भी डायरेक्टर लेकर यहाँ आए तो उस डायरेक्टर की और तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो शाहपुर जी भड़क गए, डाटागिरी करता है डाटागिरी, वो चले गए, लेकिन उस शीश महल की शूटिंग हुई, वो ऐतिहासिक नायाब अनमोल गीत बना जिसे आज हम फिर से एक बार सुनने वाले हैं मुगले आजम से।